बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम की रील्स देखते हुए आपकी आंखों के सामने लाजमी हॉलीवुड की मूवीज या इंडिया की मूवीज के एक्शन सीन्स आते होंगे और देखते देखते आपको लाजमी इस बात का भी ख्याल आता होगा कि इस मूवी का क्या नाम है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इसी तरह की सिचुएशन का फायदा उठा के या इसी तरह की वीडियोस से लोग कैसे लाखों रुपए अपने घर बैठे कमा रहे हैं और किस तरह आप भी इसी तरह की वीडियोस को सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके अच्छे खासे पैसे अपने घर पे बैठे मोबाइल फोन से कमा सकते हैं। तो जिसने इस सिंपल से तरीके से कॉपी और पेस्ट करके अच्छे खासे पैसे कमाना सीखना है वो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक बगैर स्किप किए हुए लाजमी देख ले, क्योंकि आज मैं इसी काम को स्टेप बाय स्टेप ए टू जी हर चीज आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रमजान और आप देख रहे हैं द रेडियो टीवी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आप इसी तरह की तमाम वीडियोस जो हैं उनको हासिल करते रहें और ऑनलाइन अर्निंग के मतलब कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर के अंदर आके टिकटॉक खोलनी है या आप वैसे टिकटॉक जो है उसको अपने मोबाइल फोन से ओपन करें और आपको सर्च बार के अंदर आके सर्च करना है हॉलीवुड एक्शन मूवीज, या आप यहां पर हॉलीवुड की जगह आप इंडिया की एक्शन मूवीज भी जो है यहां पर सर्च कर सकते हैं, या आप अकेला एक्शन मूवीज लिखेंगे तो तमाम किस्म की एक्शन मूवीज आ जाएंगी। अब आपके सामने बहुत सी वीडियोज आ गई हैं और उनके क्लिप्स आ गए हैं जो कि एक्शन मूवीज के क्लिप्स हैं और बहुत दिलचस्प हैं और इंगेजिंग है, लोग काफी देर तक इन क्लिप्स को देखते रहते हैं। हमने टिकटॉक से पैसे बिल्कुल नहीं कमाने, हमने किसी और इसी तरह के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल पैसे नहीं कमाने, हमने अपने कंटेंट को मोनेटाइज ही अलग तरीके से करना है। आप मुकम्मल देखना है, किसी भी क्लिप को ओपन करेंगे और यहां पर राइट साइड के ऊपर आपके पास इस जो है वीडियो का लिंक आ जाएगा, कॉपी लिंक के इस बटन को क्लिक करें आप आ जाए गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके आपको टाइप करना है डाउनलोड टिकटॉक वीडियोस विदाउट वाटरमार्क। पहली ही साइट को आप ओपन करेंगे, यहां पे आपको अपनी उस वीडियो का लिंक लाके पेस्ट करना है और सिंपली डाउनलोड के इस बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद विदाउट वाटरमार्क के इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें आपको दिखाता हूं कि ये देखें हमारी वीडियो डाउनलोड होने लग गई। अब आपके मोबाइल के अंदर इसी तरह ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, आपने इसी तरह टिकटॉक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्शन मूवीज़ के सीन डेली बेसिस पे 10 वीडियोस कम से कम लाजमी डाउनलोड करनी है इसी तरीकाकार से। अब ये देखें कुछ वीडियोस के साथ उनका नाम लिखा हुआ है, कुछ वीडियोस के साथ मूवी का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर तो आपने जेन्युइन काम करना है फिर आपको मूवी का नाम लिखा हुआ हो, साथ आपको पता हो कि ये कौन सी मूवी है, फिर आप वो वीडियोस डाउनलोड करेंगे। अगर आप मूवी का नाम देख के नई वीडियो डाउनलोड करते फिर भी इनकम हो जाएगी, लेकिन वो तरीकाकार ज़रा अलग होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको गूगल के ऊपर आके टाइप करना है लिंक ट्री। पहली वेबसाइट जो आपके सामने आ रही है इसको आप ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट एक लिंक्स को जोड़ने के लिए, एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए, इस तरह का लैंडिंग पेज हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ लिंक्स जो हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह जोड़ सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप फ्री के इस बटन को क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा, ई मेल एड्रेस यहाँ देंगे, उसके बाद आप लिंक ट्री के आगे यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा वो आपको सर्च करना है। ये देखें रमजान 1234 हमने लिखा है और ये अवेलेबल है। सिंपली क्रिएट अकाउंट के इस बटन को क्लिक करेंगे या आप साइन अप विद गूगल के इस बटन को क्लिक करेंगे और अपना जीमेल का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर बन जाएगा। उसके बाद आपको अपना नाम यहां पे एंटर करना है और कंटिन्यू के इस बटन को क्लिक कर देना है। यहां पर आपसे आपके जो है प्रोफाइल की कैटेगरी पूछ रहे हैं, हम डेफिनेटली यहां से एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें जो है मूवीज के मुतालिक प्रोफाइल बनानी है। नीचे से सब कैटेगरीज ऑप्शनल है, आप इनको छोड़ दें और कंटिन्यू के इस बटन को क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहां पे आपको फ्री वाला ये प्लान चूज करना है जो कि फ्री फॉरएवर है। इसको क्लिक करके ज्वाइन फॉर फ्री के इस बटन को क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट लिंक ट्री के ऊपर ओपन हो जाएगा। ये देखिए राइट साइड के ऊपर प्रीव्यू है, आपको नजर आएगा कि इस तरह आपका पेज नजर आएगा, लैंडिंग पेज जो है। आप यहां से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस बटन को क्लिक करना है। हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर आते ही आपको सबसे पहले नजर आएगा योर लिंक ट्री इज नॉट लाइव, कि आपका लिंक ट्री लाइव नहीं अभी हुआ। क्यों नहीं लाइव हुआ? कि हमने अपने मेलिंग एड्रेस के अंदर जाके इनबॉक्स के अंदर इनकी जो मेल आई होगी उसको हमने क्लिक नहीं किया। सिंपली अपने जीमेल के ऊपर आएंगे, अपने इनबॉक्स के अंदर, इनबॉक्स के अंदर ये देखें लिंक ट्री की मेल है, वेरीफाई ईमेल के इस बटन को क्लिक करें, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, साइन इन टू लिंक ट्री के इस बटन को क्लिक करें और आप अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि योर लिंक ट्री इज लाइव, कि अब आपका लिंक ट्री जो है वो लाइव हो चुका है। बेसिकली
लिए चीज क्या है कि ये देखे कॉपी यूआरएल का ये बटन कॉपी करेंगे ना आप, तो आपका लिंक ट्री का लिंक कॉपी हो जाएगा। लिंक ट्री के अंदर मजीद बहुत से लिंक्स होंगे, किस तरह के ऐड लिंक्स के, इस बटन को आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, यहां पे आपके लिंक्स ऐड होते जाएंगे। आप 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी लिंक्स जो हैं अपने इस लैंडिंग पेज के ऊपर ऐड कर लेंगे, फिर आप उन तमाम लिंक्स का एक लिंक आपको लिंक ट्री के सूरत में ये देखें ऊपर नजर आ रहा है कॉपी यूआरएल का लेंगे, तो आप इन तमाम लिंक्स जो आपने जोड़े होंगे इनका लिंक आपके पास एक सिंगल लिंक के अंदर आ जाएगा। लिंक ट्री के अंदर अपने लिंक्स ऐड करने के लिए आपको ऐड लिंक के इस बटन को क्लिक करना है और यूआरएल वाले इस बॉक्स के अंदर आपको यूआरएल ला के पेस्ट करना है जो लिंक आप यहां पे अपने लिंक ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप यूज करें तो एफिलिएट लिंक्स यहां पे आप ला के जोड़ सकते हैं, लेकिन आज हम जो है अपने इस लिंक ट्री के साथ एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक जो है वो जोड़ेंगे, यानी डायरेक्ट हम एडवर्टाइजमेंट का ही लिंक यहां पे ऐड कर देंगे जिसके साथ हमारे 5-7 एडवर्टाइजमेंट्स एक टाइम के अंदर हम प्रमोट कर सकेंगे। एडस्टेरा के ऊपर आएंगे, एडस्टेरा एक ऐसी वेबसाइट है जो गूगल एडसेंस की ही तरह आपके कंटेंट को मोनेटाइज करती है, आपको एड्स देती है, एड्स के लिंक्स आपको मिलते हैं जो आप अपने कंटेंट के साथ लगा के उन एड्स के चलने की वजह से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको अपना पेमेंट मेथड जो है 3 तरीके से आप यहां से पेमेंट ले सकते हैं एडस्टेरा से, जो कि पहला पेमेंट मेथड बैंक का है, दूसरा जो है आप वेब मनी के जरिए ले सकते हैं, और बाइनेंस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी आप इसकी पेमेंट्स ले सकते हैं। इसके ऊपर अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, मैं अपनी पिछली तमाम वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं, 5 से 7 वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर हैं, हर वीडियो के अंदर आपको तरीकाकार बताया। सिंपली साइन अप के इस बटन को क्लिक करके आप फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल आउट करेंगे और आप इजीली इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे, और उसके बाद आप जब लॉग इन हो जाएंगे अपने एडस्टेरा के अकाउंट के ऊपर तो यहां आके हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिंपली डायरेक्ट लिंक्स के इस बटन को क्लिक करना है और क्रिएट डायरेक्ट लिंक के इस बटन को क्लिक करेंगे, नॉन एडल्ट सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास गलत एड्स ना आए, ऐड के इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट लिंक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यहां पे एक्टिव जहां पे लिखा हुआ है यहीं पे पेंडिंग की सिचुएशन आएगी, कुछ ही सेकंड्स में वो एक्टिव हो जाएगा और इसी तरह आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। कॉपी के इस बटन को क्लिक करके आप सिंपली अपना डायरेक्ट लिंक ऐड का कॉपी कर लें जिसके साथ आपको अर्निंग होनी है। अब उस लिंक को आप यहां पे लेके आएंगे लिंक ट्री के अंदर, यहां पे अपने लिंक ट्री के साथ यहां पे पेस्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड के ऊपर जो प्रीव्यू आ रहा है इसके अंदर मोबाइल के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि यहां पे हमारा लिंक ऐड हो चुका है। अब यहां पे लिखा हुआ लिंक के ऊपर जो आ रहा है उसको हमने चेंज करना है, पेंसिल के इस बटन को क्लिक करेंगे, यहां पे हमने लिख लेना है मूवी नेम। मूवी नेम क्यों लिख रहे हैं आपको कुछ ही देर में समझ आएगी। ऐड लिंक इस बटन को दोबारा क्लिक करें और दोबारा एडस्टेरा के ऊपर आए, यहां से आप अपना दूसरा डायरेक्ट लिंक जो आपने क्रिएट किया था उसको भी यहां से कॉपी करें, कॉपी करके आप लिंक ट्री के अंदर दूसरे लिंक की जगह यूआरएल की जगह ये लिंक अपना एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक का भी ला के पेस्ट कर दें और ऐड के इस बटन को क्लिक कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास दूसरा लिंक भी ऐड हो चुका है आपकी लिंक ट्री के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर भी लिंक जो है वो यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके भी इसी तरह पेंसिल के बटन को क्लिक करेंगे और यहां पे आप लिख देंगे डाउनलोड। अब आपके पास दोनों लिंक्स यहां पे ऐड हो चुके हैं लिंक ट्री के अंदर। हमने एक लिंक के ऊपर डाउनलोड और एक लिंक के ऊपर मूवी नेम क्यों लिखा, क्योंकि हमें अपनी इस लिंक ट्री के लिंक को अपने उस वीडियो के साथ अटैच करना है जो वीडियो हमने मूवीज़ के सीन वाली डाउनलोड की थी टिकटॉक के ऊपर से, जो एक्शन मूवीज़ के सीन्स हैं और जिनको देखने के बाद लोग लाजमी आपसे उस मूवी का नाम भी पूछेंगे और उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मांगेंगे। इसकी अपीयरेंस को चेंज करना चाहें, यानी कि यहाँ ऊपर अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहें और अपने प्रोफाइल का नेम वगैरह चेंज करना चाहें तो आप सिंपली अपीयरेंस के इस बटन को क्लिक करेंगे, पिक एन इमेज के इस बटन को क्लिक करेंगे, अपलोड योर ओन के बटन को क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने जो है मोबाइल की गैलरी ओपन करनी है। उसके बाद आपको कोई भी पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है अपने मूवीज के रिलेटेड, यानी कि आपने मूवी का जो है लैंडिंग पेज बनाया इसलिए आप यहां पे उस तरह की कोई इमेज अपलोड करेंगे। उसके बाद यहां पे प्रोफाइल टाइटल जो है नीचे लिखा हुआ आ रहा है @SameerRamzan1234 हमने इसको भी चेंज करना है, क्योंकि हमारी स्क्रीन के अंदर ये देखें यहां पे ये नजर आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। हम अपना टाइटल लिखेंगे हॉलीवुड एक्शन मूवीज। उसके बाद जो नीचे बायो की जगह है यहां पे आपको अपने लिए एक बायो भी लिखनी है जो आपको यहां पे आपके टाइटल के साथ नीचे नजर आएगी। ये देखें मैंने अपनी इमेज भी चेंज कर दिया है, उसके बाद मैंने अपना प्रोफाइल का टाइटल भी हॉलीवुड एक्शन मूवीज के नाम से दे दिया है, न्यू क्लिप्स एवरीडे भी लिख दिया अपनी बायो के अंदर। आप देख सकते हैं कि लिंक ट्री के ऊपर मोबाइल के अंदर जहां आपका प्रीव्यू नजर आ रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका टाइटल भी, आपकी बायो भी और आपके लिंक्स भी यहां पे नजर आ रहे हैं।
ऐड लिंक के इस बटन को क्लिक करके आप मजीद यहां पे एक लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने डाउनलोड और मूवी नेम के दो लिंक्स दिए हैं, जिनके अंदर हमारे एडस्टेरा का ही लिंक है, हमारी एडवर्टाइजमेंट ही चलनी है, अगले बंदे को कुछ नहीं मिलना। अगर आप एक मजीद लिंक ऐड करना चाहें तो वहां पर आप मूवी का लिंक भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहां से टिकटॉक के ऊपर से जहां से आपने आके वीडियोज तलाश की थी, यहां पर आपको जिस मूवी का नाम लिखा नजर आ रहा है, आपको वो मूवी यूट्यूब से सर्च करके उसका लिंक का एड्रेस जो है वहां पर अपने लिंक ट्री के अंदर यहां पर के पेस्ट करना है, ताकि अगले बंदे को मूवी भी मिल जाए। ये तो हो गया जेन्युइन काम की। अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं, आप उस मूवी के क्लिप्स डाउनलोड करें जिस मूवी का आपको नाम भी पता हो और आप वो मूवी का लिंक भी यहां प्रोवाइड कर सकें। अगर आप वो मूवी का लिंक प्रोवाइड नहीं भी करते तो आप अगले को गुनाह होने से बचा रहे हैं, आप अगले को मूवी नहीं प्रोवाइड कर रहे, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल काम करना चाहें तो आप मूवी वो तलाश करें जिसका लिंक भी आपको पता हो कि यूट्यूब के ऊपर वो मूवी पड़ी हुई है, और उसी के क्लिप्स भी आप डाउनलोड कर लें और उसी का लिंक भी यहां पे लिंक ट्री के अंदर तीसरे लिंक की जगह आप ला के पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने थीम्स वगैरह आप यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सारी की सारी सेटिंग मुकम्मल करने के बाद सबसे ऊपर कॉपी यूआरएल का ये बटन आपके पास है, इसको आप क्लिक करेंगे, लिंक ट्री का ये यूआरएल आपके पास कॉपी हो गया है, जिसके अंदर आपके दो एडस्टेरा की एड्स के लिंक्स हैं। अगर इस लिंक को नए टैब के अंदर ला के पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे लिंक के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा मूवी का नाम पूछने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो उसके सामने ये पेज आएगा। यहां पे आपके सामने दो लिंक्स मौजूद हैं, इसी तरह उस बंदे के सामने दो लिंक्स होंगे, वो क्लिक करेगा और वो सीधा पहुंच जाएगा हमारे एडस्टेरा की डायरेक्ट लिंक की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जिसके साथ आपको अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद आपको लिंक ट्री के इस लिंक को कॉपी करके कहाँ लेके जाना है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका मजीद अभी मौजूद है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आएंगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम का आप अकाउंट इजीली बना सकते हैं, अपने फेसबुक या जीमेल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड पे आके क्रिएट के इस बटन को क्लिक करें, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर के बटन को क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी वीडियो को ला के अपलोड कर दें जो आपने टिकटॉक से डाउनलोड की थी। यहाँ से आप इसको मूव करके वीडियो का कोई भी सीन थंबनेल के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। कोई भी अच्छा सा सीन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको कैप्शंस लिखने हैं, यहाँ पे आपको टैग्स भी लगाने हैं। सिंपली आप आएंगे गूगल के ऊपर और आके टाइप करेंगे इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर। आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी इनफ्लेक्ट के नाम की, जो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना है जिसके मुतालिक आपकी वीडियो है। हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखिए मैंने लिख लिया है। अब नीचे आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं और कीवर्ड्स भी आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि इंस्टाग्राम के ये कीवर्ड्स कितनी कितनी रैंकिंग में है। 42 मिलियन जो है हॉलीवुड का कीवर्ड है, मूवीज़ का कीवर्ड जो 33 मिलियन है, 14 मिलियन, 8 मिलियन, 15 मिलियन, उसके बाद लाखों के अंदर इस साइट के ऊपर आपके पास बहुत से हैशटैग्स मौजूद हैं जो इंस्टाग्राम के हैशटैग्स हैं। आपको सिंपली यहां से इस किसी भी बॉक्स को क्लिक करना है। ये देखिए आपने बॉक्स को टिक किया, इसको, इसको और इसको। उसके बाद आप ये जितने भी बॉक्स यहां से टिक करते जाएंगे, राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास ये हैशटैग्स ऐड होते जाएंगे इस राइट साइड वाले बॉक्स के अंदर। ये देख सकते हैं आप, यहां से आप काफी सारे जो हैशटैग्स ज्यादा रैंक वाले हैं उनको आप यहां से क्लिक कर लें। ये देखें हमने 11 हैशटैग सेलेक्ट कर लिए हैं। कॉपी के इस बटन को क्लिक करेंगे, सारे के सारे हैशटैग्स आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में कॉपी हो गए। यहाँ पे अपनी वीडियो जहाँ पे आप अपलोड कर रहे थे वहाँ पे लाके आपको कैप्शंस की जगह हैशटैग सारे के सारे यहाँ पे एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपको इन हैशटैग से ऊपर सिर्फ सिंपल सी एक छोटी सी लाइन लिखनी है, मूवी नेम एंड डाउनलोड। ये वर्ड्स चार लिखने के बाद आप इसके नीचे एक स्पेस देंगे और यहाँ पे आप लिंक ट्री का जो आपका लिंक है उसको यहाँ से लिंक ट्री से कॉपी कर लें और इस लिंक को आप ले जा के इंस्टाग्राम के अंदर जहाँ आप वीडियो अपलोड कर रहे थे उसके कैप्शंस के अंदर यहाँ पे मूवी नेम एंड डाउनलोड के नीचे ले जा के पेस्ट कर दें। उसके बाद सिंपली आपको डन के इस बटन को क्लिक कर देना है। आपकी पोस्ट आपके इन तमाम अच्छे हैशटैग्स जो बहुत ज़्यादा सर्च में हैं इनके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जो है रील आपकी पोस्ट हो जाएगी। लोग इस मूवी के सीन को देखेंगे जो कि बहुत दिलचस्प है, तो लाजमी आपको जो है आपके कमेंट्स खोलेंगे या इस वीडियो की कैप्शंस को खोलेंगे जिसके अंदर उनको लिंक मिलेगा और वहां पे वो देख सकते हैं कि मूवी का नाम या डाउनलोड करने के लिए उनके पास लिंक है। उस लिंक के अंदर अगर तो आपने डायरेक्ट लिंक ही दिए हैं सिर्फ, तो फिर आपको सिर्फ अर्निंग होगी, अगले को कुछ नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने जेन्युइन मूवी का लिंक भी वहां दिया है तो अगले को मूवी भी मिल जाएगी, आपको अर्निंग भी हो जाएगी। यही काम आप फेसबुक के ऊपर भी आके कर सकते हैं। सिंपली आप फेसबुक के ऊपर आएं और यहां पे फोटोज के इस बटन को क्लिक करें, यहां पे आप ऐड फोटोज या वीडियोज वाले इस बटन को क्लिक करें,
यहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन के गैलरी के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपनी वही वीडियो जो है यहाँ पे ला के अपलोड कर देंगे। आपके पास यहाँ पे भी इंस्टाग्राम की तरह ऊपर जगह है लिखने की, यहाँ पे भी आप लिखेंगे मूवी नेम एंड डाउनलोड, उसके नीचे आप लिंक ट्री का जो है अपना लिंक जिसके अंदर आपके एड्स तरह के एड्स हैं सिंपली आप उनको भी यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे उसी तरह जिस तरह आपने इंस्टाग्राम के ऊपर किया था। और पोस्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे सिंपली आपकी पोस्ट फेसबुक के ऊपर भी हो जाएगी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपने अलग से अपलोड कर दी। अगर आप डेली बेसिस पे 10 वीडियोज़ टिकटॉक से इसी तरह मूवीज़ के सीन्स की डाउनलोड करें और उन 10 की 10 वीडियोज़ को आप डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अपलोड करते रहें तो डेली बेसिस पे आप यकीन नहीं करेंगे कि आप लाजमी 10 से 12 डॉलर्स इजीली कमा सकेंगे, जो कि अच्छे खासे पैसे बनते हैं इस दौर में हमारे जैसे लोगों के लिए। किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो ट्यूब।